वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक के बारे में बात करेंगे, लेटेस्ट अपडेट भी चेक करेंगे और न्यूज़ भी चेक करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक के लिए। तो करंटली रिलायंस इंडस्ट्री आज भी देख सकते हो पिछले 2 दिनों से कच्चू मूवमेंट देखने को मिले। आज 2,456 पर ट्रेडिंग करा, 42 पॉइंट की रैली के 1.72% की रैली बनाता हुआ नजर आ रहा है रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक। यानी कि जैसे ओपन हुआ था गैप अप से ओपन होकर एक अच्छी मूवमेंट बनाए, अभी भी देख सकते हो कि अप ट्रेंड में ही दिखाई दे रहा है, यानी कि बाइंग साइड में रैली बनाता हुआ नजर आ रहा है रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक। तकरीबन मार्केट कैप भी यहाँ पे देख सकते हो 16.61 लाख की है और पी रेशियो भी देख सकते हो 27 का है। तो पिछले 5 दिनों की मूवमेंट देखी जाए तो पिछले 5 दिनों में गिरावट हो चुकी थी बहुत सी, फिर भी रिसेंटली 2 दिनों से यहाँ पे रिकवरी देखने को मिले। तो न्यूज़ के ऊपर भी ध्यान डाले जाए तो रिसेंटली न्यूज़ भी देख सकते हो तकरीबन रिलायंस स्टॉक्स गेट एन अपग्रेड फ्रॉम नोमरा एज करेक्शन लुक्स ओवरडन। मीन्स तकरीबन देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्री में जो यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला है सभी जन यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो रिलायंस में बहुत सी गिरावट देखने को मिली थी। तो फिर से यहाँ पे आप देख सकते हैं HDFC सिक्योरिटीज ने भी टारगेट दिया 2,825 का। तो रिसेंटली रिलायंस का जो यहाँ पे चार्ट पे नजर डालोगे तो यहाँ पे सपोर्टिव लेवल थी 2,367, जहाँ पे पिछले मंथ के में भी सपोर्ट लिया गया था और इस मंथ में भी देख सकते हो वो सपोर्ट लिया गया था। तो उस लेवल पे सपोर्ट लेके फिर से बाउंस बैक किया है, रिकवरी देखने को मिले। तो जो ब्लू कलर का लाइन है जो कि 200 मूविंग एवरेज है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा रिलायंस स्टॉक के लिए ऊपर जाते समय, उसकी जो लेवल है 2,500 के करीब है। मिस 2,500 लेवल को जब ब्रेकआउट मिलेगा तो इजीली मंथली प्यू 2,600 लेवल के ऊपर है, तो वो लेवल तक जाने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं और तेजी भी बढ़ सकती है रिलायंस स्टॉक के अंदर। वॉल्यूम भी देख सकते हो आज के दिन में 50 लाख का वॉल्यूम टोटल देखने को मिला है रिलायंस स्टॉक में, और डिलीवरी परसेंटेज भी देख सकते हो अच्छे खासे है, 46% जो है यहाँ पे ट्रेडिंग मिस क्वांटिटी में से 46% डिलीवरी के लिए जाते हुए नजर आ चुके हैं। तो ये लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक के लिए।